अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर हाजिर हैं आपके प्रोग्राम रिव्यू कॉर्नर में QQI TV चैनल के बैनर तले। मैं आपका होस्ट और दोस्त कमर और मेरे साथ हैं सादिया। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और अभी दो दिन पहले तो थोड़ी बहुत स्नो भी हुई है बर्मिंगम में और ब्रेडफोर्ड और स्कॉटलैंड में काफ़ी स्नो हुई है, तो सर्दी आ चुकी है। बहरहाल हमारा प्रोग्राम है रिव्यू कॉर्नर और इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ के हमारा चैनल जो है QQI TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ और देखते रहिए रिव्यू कॉर्नर QQI TV चैनल पर। तो आज का हमारा फ्रूट है रिव्यू कॉर्नर के अंदर, इसका नाम है हनी पोमेलो। हाँ, आई थिंक बहुत सों ने नहीं सुना होगा ये नाम, जैसा कि हमने भी शुरू में नहीं सुना था, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब फाइंड आउट किया इसके बारे में तो इसको फिर हमने कहा कि अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हनी पोमेलो असल में इसकी काफ़ी लंबी स्टोरी है। शॉर्ट ये है कि ये साउथ ईस्ट एशिया इसका नेटिव प्लेस है जहाँ से ये हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में यहाँ से जो शिप था जो बारबाडोस गया उसमें ये हनी पोमेलो गया था, जो कैप्टन का नाम था शेडॉक जो इसको लेके गया था, और जब वहाँ बारबाडोस में ये इंट्रोड्यूस हुआ तो शुरू में इसको शेडॉक के नाम से ही जाना गया। अच्छा। हाँ, कैप्टन के नाम से इसका नाम रख दिया गया शेडॉक। फिर ये वहाँ से होते होते आगे चला, अमेरिका में फैला, हवाई में आया, और 1696 में इसका जो हवाई में नाम रखा गया था वो था, बड़ा मुश्किल नाम है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिख के रखा था जबोंग। हवाई में जबोंग के नाम से ये इसको नया नाम दिया गया, और फिर आगे चल के ये जमोला हुआ, और इसी तरह इसके नाम चेंज होते गए, और 1973 की जो अमेरिकन डिक्शनरी है उसके अंदर अगर आप पोमेलो देखें तो उसमें उसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है ग्रेप फ्रूट, इसलिए कि ये काफ़ी हद तक अंदर से जब इसको काटें तो ये ग्रेप फ्रूट की शक्ल का है। हाँ, तो लेकिन उसमें साइज में काफ़ी बड़ा होता है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, और ये भी मतलब इससे भी बड़ा साइज़ होता है, ये एक इसका नॉर्मल साइज़ है। अमूमन इसका जो वेट है एक मतलब पाम फ्रूट का वो तकरीबन 1 kg से 2 kg का एक होता है, जो हैवीएस्ट होता है वो 2 kg 2.5 kg होता है। और तो ये तो इसकी हिस्ट्री है, आगे इसके बारे में बताते हैं कि जी ये इसमें क्या क्या है, इसका टेस्ट कैसा है और इसके और क्या क्या नाम हैं, तो वो सादिया बताती हैं आपको। सम आर वेरी फ्यू सीड्स एंड सम हैव न्यूमरस सीड्स, मतलब कुछ में तो सीड्स बहुत कम ही होते हैं और कुछ में बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसकी स्किन जो है वो काफ़ी बिटर होती है, जैसे ग्रेप फ्रूट की भी है बहुत ज़्यादा बिटर के है, उसको आम लोगों के हिसाब से कहते हैं कि वो खाने के काबिल नहीं होती, मतलब आम आदमी वैसे नहीं खा सकता। इसकी जो थिक स्किन है इससे वो इसकी डिश बनाते हैं स्वीट डिश, इसके अंदर और चीज़ें मिक्स करके जिसमें शुगर भी है और दूसरी चीज़ें मिला के इसकी एक स्वीट डिश बनाते हैं। इसी तरह श्रीलंका में एज ए डेजर्ट के तौर पे ये इस्तेमाल होता है, वही है कि इस पर या तो शुगर स्प्रिंकल करके इस पर इसको खाया जाता है, वो उसी तरीके से जिस तरह के आप कोई क्या नाम है ऑरेंज को या उसको यूज़ करते हैं उसी तरीके से। हाँ, मुख्तलिफ इलाकों में जैसे करके खाते हैं ऑरेंज को, हमारे यहाँ बहुत से लोग वो नमक के साथ खाते हैं, लगा के चाट मसाले के साथ, तो इसको भी खाया जाता है। और इसकी काफ़ी चीज़ें भी बनती हैं, जैसे आप इसका जूस जो है उसको सिट्रस जूस के तौर पे, और फिर आप उसका कर्ड भी बना सकते हैं इससे, जैसे लेमन कर्ड बनाते हैं इसी तरह इसका भी पोमेलो लाइम कर्ड बना सकते हैं, लाइम का और उसका मिला के, और मार्मलेड बना सकते हैं जिस तरह ऑरेंज का मार्मलेड बनाते हैं इस तरह पोमेलो
इसका भी हम मार्मेलेड बना सकते हैं। राइट। और एक और डिश बनती है, योगर्ट एंड पिस्ताशियो का मिक्स करके बनाते हैं। बार में जो क्या कहते हैं सिट्रस बार बनाया जाता है, पोमेलो सिट्रस बार, उसमें भी जैसे आपने बिस्किट की तरह बनाया, फिर उसके ऊपर उसकी ट४पिंग में जो है क्रीम के साथ और कर्ड के साथ मिला के वो बना लिया, तो वो पोमेलो सिट्रस बार बनता है। राइट। और हॉट सॉस बन में भी आप ऊपर से कर सकते हैं इसकी ट४पिंग। और सैलड, बहुत तरह की सैलड बनती हैं जिसमें ये यूज़ हो सकता है। और एक मोहीटो बनता है बहुत ज़बरदस्त, जिस तरह से हम नॉर्मल मोहीटो बनाते हैं कि उसमें मिंट लीव्स होते हैं और उसमें डाल के सोडा डाल के और चाप बनाएं, तो इसी तरह से इसका भी मोहीटो बन सकता है बहुत आराम से, बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा, इसके जो नाम है पोमेलो, जो अब इसको पुकारा जाता है, जिस नाम से जो अब आजकल के चेंज हो हवा के जो नाम इसका आ गया है पोमेलो, ये हमारे पास जो है, हम जो लेके आए ये है हनी पोमेलो। हनी पोमेलो जी, इसमें इसके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कि ये जो है थोड़ा येलोइश ग्रीन से येलो कलर जो चेंज होता है हल्का उस कलर का है, इसको कहते हैं कि ये थोड़ा सा दूसरे जो पोमेलो हैं, दूसरी किस्में जो हैं उससे थोड़ा मीठा होता है बनिस्बत दूसरों के, इसीलिए इसका नाम जो है हनी पोमेलो दिया गया है। और ये यानी लाइट येलो कलर का होता है, एक इसमें आता है लाइट पिंक कलर का, हाँ। जिसको कहते हैं ग्रेप फ्रूट पोमेलो, जैसे ग्रेप फ्रूट अंदर से ग्रेप फ्रूट, हाँ। और एक आता है इसका जाफा रेड कलर का स्किन का, जिसको कहते हैं रूबी पोमेलो, उसको उसके मतलब इन्होंने उसकी पहचान है कि ये रूबी पोमेलो है, ये हनी पोमेलो है और ये ग्रेपफ्रूट पोमेलो है, उसके कलर के हिसाब से उसकी पहचान है। इसके पके हुए होने की और कच्चे होने की, मतलब राइप्ड और अनराइप्ड, ये इसके वेट से अंदाजा कर सकते हैं, वेट से और कलर से, कलर से जी। अगर ये हल्का है वेट में तो ये फुली राइप नहीं है और सावर होता है, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा सावर होगा, हाँ। और दूसरा ये कि इसका जो स्किन कलर है, अगर ये येलोइश हो गया है ग्रीन से तो मीन्स ये राइप हो गया है, और अगर ग्रीन है डार्क ग्रीन कलर तो इट मीन्स कि ये अभी राइप नहीं है, तो इसको मत लें और मत खाएं, वरना फिर नहीं खा पाएंगे, बहुत ज़्यादा सावर होगा उसमें। दूसरा ये कि जब भी ख़रीदें देखें कि जो हैवीएस्ट और अनब्लिमिश हो फ्रूट, उसको ख़रीदें, वो उसके पके हुए होने की निशानी है, एक निशानी ये भी है और उसके टेस्टी होने की निशानी भी है इसकी। इसका जो सीज़न है, ये सीज़न का है, इसको काटें तो फिर हम बाकी बातें भी बताते जाते हैं। और इसको काट के देखते हैं कि ये अंदर से कैसा निकला है, बड़ी अच्छी पैकिंग है, ये देखें, ये है ये इसकी पैकिंग जी, फिर वो प्लास्टिक में रैप किया हुआ है। अब ये ग्रीन ही, मतलब ग्रीन से येलोइश कलर चेंज हुआ है इसका, लेकिन अब ये कितना राइप है वो तो अब काटने के बाद पता चलेगा। अच्छा, इसको काटने का भी तरीका है, वो आप ज़रूर देखें, इसलिए कि ये ऐसा नहीं है कि आप लें और बीच में से काट दें। दो तरीके हैं, या तो आप पूरा क्या कहते हैं पूरा काट लें, इसको ऊपर से कट करके स्किन ऑफ कर दें, हाँ ऑफ करके कर दें, और या फिर आप इसका सिर्फ जैसे हम अपना बेकरी में ऑरेंज को कट करते हैं, इसके सिर्फ सेगमेंट्स निकल के आए, तो मैं देखती हूँ कि किस तरह से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले ऊपर से जो है इसको यहाँ तक ये वाइट हिस्सा था, उसके बाद फिर हम इसको, और ये काफी थिक है इसका, हाँ स्किन काफी इसकी थिक होती है और बहुत ही बिटर इन टेस्ट, यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, या और इधर आ जाए इसमें अगर नहीं मेरे साथ, सही कहते हैं, कोशिश करें कि इसके
चार बराबर साइज के हिस्सों में इसकी स्किन काटें ताकि इसको जब आप खोलें तो वो ऑरेंज या जैसे ग्रेप फ्रूट है उसको खोलते हैं वैसे खुले ये। तो नहीं ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा है, आप बीच में से भी काट सकते हैं। हाँ मतलब वो बिल्कुल आप इसके बारे में कुछ और बता दें। हाँ जब तक मैं आपको बताता रहूँ कि इसका जो ये सीज़न वाइज है अच्छा इसको कोशिश करें कि इसका जो सबसे अच्छा कहते हैं जो टेस्ट वाला जो आपको फ्रूट मिलता है ये पोमेलो, ये मिलता है आपको फरवरी के शुरू से लेके और अप्रैल के मिड तक, जो बहुत ही अच्छी तरह फुली राइप्ड फ्रूट होता है। इसलिए कि इसका जो सीज़न है वो है फॉल जब शुरू होती है पतझड़, उसके एंड जब होता है पतझड़ का वहाँ से इसका सीज़न स्टार्ट होता है जो कि स्प्रिंग के मिड तक चलता है। तो अभी ये नहीं होगा राइट? तो ये अभी इसका सीज़न स्टार्ट सीज़न। और अच्छा फिर फ़र्क ये भी पड़ता है कि ये जिन कंट्रीज़ में ग्रो नहीं होता है वहाँ लाजमी ये शिपमेंट के ज़रिए पहुँचता है, तो मुख्तलिफ़ सीजन्स में पहुँचता है। तो कोशिश करें कि इसीलिए इसकी ये निशानियां हैं ख़रीदने की कि जब ख़रीदें तो ये दो तीन चीज़ें उसमें चेक करें और फिर ख़रीदें कि हेवी हो। अच्छा फिर ये कि इसका स्किन कलर जो है वो ग्रीन से येलोइश हो रहा हो और तकरीबन हो गया हो तो इसको आप लें तो वो जूसी भी होगा, वरना अगर ये फुली राइप नहीं है या ड्राई हो चुका है तो फिर इस ये आपको इतना ग्रेपफ्रूट की तरह जूसी नहीं मिलेगा, ये ड्राई अंदर से काफ़ी मिलेगा आपको, जैसे वो किन्नू मौसम्बी भी काफ़ी जब हो जाती हैं सीज़न ऑफ होता है तो अंदर से सूख जाती हैं, उनमें जूसीपन ख़त्म हो जाता है। तो इसके साथ भी यही है कि इसका भी उस वक्त लें जब ये फुली राइप्ड। हाँ वाइट ये हटाना होगा ना, ये भी अंदर से थोड़ा सा वैसा है, क्या कहते हैं इसको, पिंकिश है। हाँ, लाइट पिंक कलर है। हाँ जबकि इसका लिखा था कि ये हनी पोमेलो है, हनी पोमेलो जो अंदर से है वो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। टेस्ट इनके जितनी भी वैरायटीज़ हैं इसकी उन सब का टेस्ट तकरीबन एक दूसरे से करीब करीब होता है, इसलिए कि इसको एक ही फैमिली से और सिट्रस फैमिली से। बिल्कुल तो आपको रेसिपी में वही चीज़ें, बस ये है कि थोड़ा ज़रा हल्का खट्टा होता है, थोड़ा ज़रा ज़्यादा खट्टा होता है, तुलसी वाला होता है, तो उस हिसाब से ये इसको खाएं। लेकिन काफ़ी फ़ायदेमंद है ये फ्रूट भी बाकी फ्रूटों की तरह। मैं इसकी जब तक का सादियाँ काट रही हैं मैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं वो आपको बताता चलूँ कि 100 ग्राम के पोमेलो के अंदर कैलोरीज़ जो हैं वो 38 कैलोरीज़ होती हैं, टोटल फैट्स जो हैं इसके अंदर वो 0% होते हैं, सोडियम 0% है, पोटेशियम इसके अंदर 6% है, कार्बोहाइड्रेट 3% हैं, प्रोटीन 1% है, विटामिन ए 0% है, आयरन 0% है, कैल्शियम 0% है, B6 विटामिन जो है वो 0% है, मैग्नीशियम 1% है और विटामिन सी 101% है। सिट्रस फ्रूट है ना? हाँ सिट्रस फ्रूट है, तो विटामिन सी में बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, मतलब 101% 100 ग्राम के अंदर आपको मिलती है, जो कि वन डे की जो टेक है विटामिन सी की उसको पूरा करती है। उसके अलावा ये है कि
वाटर इसके अंदर 89% वाटर है। तो इसके फ़ायदे भी विटामिन सी की वजह से बहुत हैं। इसको देखें, मैं ट्राई करके देखता हूँ कैसा है ये टेस्ट में। इसके सेगमेंट निकालें। यस, जूसी नहीं, जूसी इसलिए अभी ज़्यादा नहीं है कि ये पूरा राइप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत कड़वा नहीं है और खट्टा भी नहीं है। हल्का सा, जैसे आपका ये कह लें कि ग्रेप फ्रूट ज़्यादा बिटर होता है इसके मुकाबले में, ये कम बिटर है ग्रेप फ्रूट के मुकाबले में। आपने देखा इसका स्किन इस तरह से अगर आप उतारेंगे ना वाइट का पूरा छुरी से, और उसके बाद फिर आप अपने सेगमेंट आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल उसकी आपके ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट और इसे इसकी तरह इसके सेगमेंट्स हैं जो आप निकालें, जो बेकरी में इसी तरह जी, और फिर आप इसको खा सकते हैं ना। टेस्ट इज गुड। हम शायद इसको इसलिए कि दिसंबर का महीना है, फरवरी से पहले ले आए हैं, तो फुली जूसी नहीं मिला, तो कम जूस है, लेकिन ड्राई भी नहीं है। स्टिल टेस्टी, स्टिल लिटिल बिट जूस इज देयर, तो खाने में बुरा नहीं है, अच्छा है खाने में। हाँ, खाने में अच्छा है, ग्रेप फ्रूट के मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि लिखा था कि बहुत सिट्रस टेस्ट होगा, लेकिन इतना नहीं है, हनी ड्यू की वजह से शायद ये इतना नहीं है सॉवर टेस्ट जितना के दूसरे होते हैं। सही है, अच्छा टेस्ट। मतलब आप नमक के साथ खा सकते हैं, या जैसे कि श्रीलंका वाले इसमें शुगर डाल के डालते हैं वो आप खा सकते हैं, और जैसे कि फिलीपींस के अंदर पाइनएप्पल के जूस के साथ इसका जूस मिक्स करके बनाया जाता है, और उसको एक स्पेशल नाम दिया है उन्होंने जिसको वो कहते हैं पिंक बेवरेज। तो अगर किसी का फिलीपाइन जाना हो तो वहाँ आप जाके ज़रूर कहिएगा कि जी आई जस्ट वांट अ पिंक बेवरेज इन ड्रिंक्स के अंदर, मांगिएगा तो देखिएगा, तो वो आपको वो पोमेलो मिक्स विद पाइनएप्पल जूस जो है उसको वो कहते हैं पिंक बेवरेज के नाम से पुकारा जाता है। तो ये कुछ इसके बारे में बातें थी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, टेस्ट के बारे में और चीज़ों के बारे में। उसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हम वही रिक्वेस्ट आपसे कि हमारा चैनल जो है, जी आप बोलें। हमारा चैनल है QQI, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें हमारे चैनल को, हमारे प्रोग्राम्स को। डिफरेंट रिव्यू कॉर्नर है, उसमें कुकिंग का जो शो है, और दावत आम है, और क्या कहते हैं नेचर ब्यूटी पर पूरी वीडियोस होती हैं, और उर्दू पोइट्री पे है, महफिल-ए-सुखन। तो काफ़ी सेगमेंट्स हैं इसमें, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो QQI TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाए। और उसके साथ ही सादिया का जो पर्सनल चैनल है, बेकिंग चैनल, उसके बारे में भी आप बताएं। जी, मेरा चैनल है BJM's Patisserie, उसको भी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिनको भी बेकिंग से, केक बनाने से, कॉन्फेक्शनरी चीज़ों से, पिज्ज़ा बनाने से, बेकिंग का जो सामान है, ब्रेड है, डोनट्स हैं, क्रोसेंट्स हैं, कुकीज़ हैं, जो बनाना चाहते हैं, जो शौक रखते हैं, वो बेकिंग का शो जो है BJM's Patisserie, जिसकी लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में देता हूँ और फिर दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी उसको देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर आप BJM's Patisserie लिखेंगे तो वो सादिया का चैनल सामने आ जाएगा, तो उसको देखें और इसको भी सब्सक्राइब करें, उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रिव्यू कॉर्नर, इसलिए कि अभी हम रिव्यू कॉर्नर कर रहे हैं तो मैं रिव्यू कॉर्नर कर रहा हूँ, वरना देखते रहिए QQI TV चैनल के तमाम प्रोग्राम और BJM's Patisserie का शो। तो उसके साथ ही अब हमें इजाज़त दें, नेक्स्ट हफ्ते इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे किसी नए फ्रूट के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय।